अभी तो खैर सबको ही पता है नंबर 5 पॉइंट के सेंटेंस का स्टार्टिंग जो लेटर होता है हर सेंटेंस का वो कैपिटल होता है. नंबर 6 इज द प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज कैपिटल, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आ रहा हो. नंबर 7 जो वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड जो लेटर कोटेड सेंटेंस के अंदर आ रहा होता है वो अंदर आ रहा होता है वो भी कैपिटल होता है. शी सेड आई, अब आई यहाँ बीच में आया है और एक तो ये कोटेड सेंटेंस भी है इसीलिए आई कैपिटल है. और वैसे भी अगर ये कहीं दरमियान में आ रहा होता तब भी आई कैपिटल ही रहता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर. आई कैन डू दिस एंड आई इज़ कैपिटल. ही आस्क्ड वेयर इज़ एवरीवन गोइंग, वेयर इज़ डब्ल्यू इज़ कैपिटल एंड इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पहला लेटर जो आ रहा है दैट इज़ कैपिटल. देन नंबर 8 इज़ नेम्स ऑफ मंथ्स डेज एंड हॉलीडेज आर कैपिटलाइज्ड. आई हेट मंडेज डे. सारास बर्थडे इज इन जून, जून जे कैपिटल. मंथ्स डेज holidays are capitalized. names of cities ये तो है repeated आपको clarity के लिए है कि languages भी जो हैं I speak English as well as Urdu. English का E capital, Urdu U capital. languages capital लिखी जाती हैं. country का name first letter capital, nationality में first letter capital, cities में भी first letter capital. capital letters are used for trademarks, Pepsi, Cola, Toyota, Samsung, Nokia, Microsoft. ये सारी क्या ना trademarks हैं या names of organizations या companies, brands जो हैं उनको capital letters में लिखा जाता है. names of festivals and holy days are capitalized. ईद उल फितर, रमदान, ईद उल अज़हा, उसका भी ई कैपिटल होगा और एक अज़हा का ए कैपिटल होगा. इसी तरह जैसे आपके शब बरात हैं ये भी होली डेज़ में आते हैं, एस कैपिटल होगा, बरात का बी कैपिटल होगा. क्रिसमस, हेलोवीन, दीज आर द होली डेज़, उनको या फेस्टिवल्स भी कह लें, ईद उल फितर जैसे फेस्टिवल और होली डे दोनों ही है. सो ये दीज आर रिटन एज कैपिटल्स. names of distinctive historical periods are capitalized. middle ages, bronze age, stone age, industrial revolution. these are some rules for capital letters now.